हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, आज हैं हमारे साथ मिस्टर लक्ष्य चौधरी, जो कि इंडिया के टॉप रोस्टर में से एक है। आप लोगों को बहुत कुछ पता होगा, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। तो आज की इस वीडियो पे सबसे पहले तो लक्ष्य भाई, आपको बहुत बहुत वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। आपके बारे में थोड़ा आप खुद ही इंट्रोडक्शन दे दो। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चलो हाँ दे देता हूँ, एज अ रोस्टर ही देता हूँ यार। हाँ, एज यूट्यूबर नहीं तो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, और जिनको नहीं पता, मेरा यूट्यूब चैनल है, मेन चैनल मेरा रोस्टिंग का है, जिसपे मैं कमेंट्री वीडियोस बनाता हूँ। एग्जैक्टली रोस्टिंग वीडियो भी नहीं, जो शायद 1.8 मिलियन जब तक ये वीडियो आएगी 1.8 मिलियन हो गए होंगे। और दूसरा मैं एक व्लॉग चैनल मनोज भाई की तरह थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ दोस्तों ग्राउंड बनाना, वहाँ पर अराउंड 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। और मेरी और मनोज भाई की बात अराउंड 1.5-2 साल से है, 1.5-2 साल से। तो फाइनली मिलना हो गया, जब हम भी नोएडा में हैं और मनोज भाई भी सेम शहर में हैं। तो मैं आया था गाइस, आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे ब्लॉग्स आप लोगों ने देख रखे होंगे। जब तक ये वीडियो आएगा, पता नहीं मतलब वीडियो कब आएगा, तो मैं अभी सियोर नहीं हूँ। आप लोगों को पता होगा मैं दिल्ली आया था, तो मैं रोज यहाँ पर लक्ष्य भाई के ही यहाँ पर रुका हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं कि इंटरव्यू लिया जाए, जिससे क्या होगा कि लक्ष्य भाई भी एक काफ़ी अच्छे यूट्यूबर हैं, जिनका फैन बेस काफ़ी अच्छा है, तो इनके पास भी जो है 3-4 साल का एक्सपीरियंस यूट्यूब पे है, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा ये अपना लाइफ स्टोरी जो है कैसे यूट्यूबर बने इसके बारे में आप लोगों को बताएगा, जिससे आप लोग थोड़ा बहुत मोटिवेट हो सकते हो। तो चलिए इस कमाल के इंटरव्यू का आज का शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। लक्ष्य भाई, ये बताओ कि आपको जैसे यूट्यूब के बारे में सबसे पहले कब और कैसे आइडिया मिला कि यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहिए, वीडियो अपलोड करनी चाहिए? देखो, एज अ व्यूअर मैं जब एक्टिव हुआ, बहुत पहले तो देखते थे, कुछ भी देखना हुआ तो यूट्यूब कर देते थे चैनल, लेकिन एज एन एंटरटेनमेंट अगर कुछ देखा मैंने तो सबसे पहले मैंने भुवन की वीडियो देखी थी, बीबी की वाइंस। मेरी 12th हुई थी, एक दोस्त था मेरा, उसने दिखाई थी कि ये बीबी की वाइंस ऐसे सीरीज एक एक वीडियो डालता है, ऐसे कैरेक्टर है, तो तब मैंने सिर्फ देखा था। फिर मैं 2016 की बात है, एंड की सेकंड सेशन जब कॉलेज स्टार्ट होता है, मैं फिर कॉलेज में गया, और वहाँ पे मैं आज मनोज भाई को वो स्टोरी बता भी रहा था कि तब इतने पैसे भी नहीं थे कि हर रोज हर आउटिंग पे बाहर जा सकें जी। और तो मैं खाली रहता था वीकेंड वगैरह पे, तो और वैसे भी लाइफ में कुछ उस तरीके की चीज़ें चल रही थी कि फिर कुछ ना कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्शन ढूंढना था, तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगा। तब हॉस्टल में रहता तो हॉस्टल मेट नहीं होते थे उस टाइम पे, तो मैंने सोचा यही करते हैं, क्योंकि तब उस टाइम पे भुवन को तो देखा ही था, उसके बाद मैंने कैरी मिनाटी को भी देखा था, तो मैं स्केच और कमेंट्री वीडियो दोनों के बीच कभी कुछ शूट कर लेता था, कभी कुछ और डालता रहता था। तो मैंने भी आपके वो वीडियोज़ देखे थे जब ये लक्ष्य भाई हॉस्टल पर रहते थे, और हॉस्टल के कमरे में एक छोटा सा सेटअप हुआ करता था, और कुछ फोटोज आप लगा कर रखते थे पोस्टर बैकग्राउंड पोस्टर पे, हाँ, और उस पर वो वीडियो बनाते थे। मतलब मेहनत काफ़ी किए हैं। आज ये जो स्टूडियो देख रही है लक्ष्य भाई का ही है, लेकिन ये स्टूडियो इतने आसानी से नहीं बनी है, इसके पीछे बहुत सारा मेहनत है, वो आगे आप लोगों को पता चलेगा। अब लक्ष्य भाई ये बताओ कि जैसे आपका सबसे पहला वीडियो कब वायरल हुआ, मतलब चैनल खोलने के बाद कितना दिन मेहनत करना पड़ा था? तो पहला वीडियो मैंने बनाया था जनवरी 2017 में, तब मैं स्केच वीडियो बनाता था, मतलब शुरुआत मैंने स्केच वीडियो से की थी, क्योंकि हर किसी को भुवन और हर्ष बेनीवाल बनना था। तो उसके बाद मेरा हमेशा जो ये गर्मियों वाला सीजन का दौर रहा है ना, वो हमेशा मेरा लकीएस्ट सीजन रहा है हर साल। 2017 में मेरी एक वीडियो थी चाचा विधायक है हमारे, मेरे फेसबुक पेज पे वायरल हुई थी, 10 मिलियन व्यूज आए, मैंने भी देखी। हाँ, तो 10 मिलियन व्यूज आए थे उसकी वो सीरीज में, मैंने फिर जितनी वीडियो बनाई सब चली। फिर मैं जब रोस्टिंग में कमेंट्री में शिफ्ट हो गया, तो अगले साल जून के टाइम पे मैंने एक रोस्ट बनाया था, मैं रोडीज और लव स्कूल पे रोस्ट बनाता था एमटीवी के ऊपर, तो करण कुंद्रा जो उस शो के होस्ट थे लव स्कूल के, उन्होंने वो वीडियो देखी और अपनी स्टोरी में शेयर की, और उस टाइम पे किसी सेलिब्रिटी का स्टोरी पे शेयर करना बहुत बड़ा बूस्ट देता था। आजकल तो कुछ नहीं, हर कोई किसी का लिंक शेयर कर देता है, बट तब मेरी एक शेयर से मेरी 100K, 200K, 300K ऐसे वीडियो निकल गई थी, और मेरा पहला मतलब तब मेरे 4000 सब्सक्राइबर थे, और उस वीडियो की वजह से और उस बूस्ट की वजह से लगभग मेरे 30-35 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए थे। और फिर मेरे एमटीवी रोस्ट चले, फिर मेरा शायद वो तीन चार रोस्ट मेरे डिलीट भी हुए, मेरे चैनल पे स्ट्राइक आई थी एमटीवी की तरफ से, और मैं ये एक तरीके की मैं वार्निंग भी दे रहा हूँ लोगों को, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कोई भी टीवी सीरीज फिल्म और ये सब ना डालें, वो पायरेटेड कॉन्टेंट होता है और उनकी स्ट्राइक कोई नहीं हटवा सकता। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा कॉन्टेंट स्विच कर लिया, प्रॉपर रोस्टिंग में चला गया, और थोड़ी बहुत सोशल इशू पर भी मैं वीडियो बनाता था। एक वो आंटी और लड़कियों वाली एक कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो थी, उसके बाद दूसरी मेरी वो वीडियो वायरल हुई थी बहुत ज़्यादा, और मैंने 100-200K जब क्रॉस कर दिया था। और उसके बाद तीसरे साल जून जुलाई के टाइम पे टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हो गया, और तब मेरा चैनल 1 मिलियन प्लस हो गया। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा मतलब
रोस्टिंग जो ये है वीडियो से वो काफी ज्यादा तेजी से चला है, वो आप लोग को भी पता है। मेरे को और थकेश को सबसे बड़ा बूस्ट टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के टाइम से ही मिला था। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लक्ष्य भाई, काफी सारे जैसे मेरे जो ऑडियंस है उनका एक कमेंट हमेशा आता है, या फिर मेरे से कोई मिलने भी आता है या फिर कोई मिल जाता है कहीं, तो बोलता है कि भाई कोई ऐसा ट्रिक है क्या कि चैनल को ग्रो किया जाए। तो वो लोग को ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ ट्रिक है, लाइक आपके भी 2 मिलियन सब्सक्राइबर अप्रोक्स होने वाले हैं, मेरे भी 2 मिलियन, तो उन्हें लगता है कोई ट्रिक है। तो आप ये बताओ कि आप चैनल कैसे ग्रो किए थे, प्लस कोई ट्रिक है क्या? इसकी एक ही ट्रिक है, वो है डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी। क्वालिटी, कुछ लोग क्वालिटी मेंटेन करते हैं, कुछ क्वांटिटी मेंटेन करते हैं, बट आपका कंटेंट क्या है, आपका जोनर क्या है, आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, आपकी ऑडियंस क्या है और आप किस तरीके, आप खुद किस तरह के इंसान हो। ऐसा नहीं कि आपका टेक में इंटरेस्ट नहीं है तो आप मनोज को देख के या टेक बर्नर को देख के टेक कॉपी, में आ गए कॉपी करने लगे, या आपका एंटरटेनमेंट में या आपके वो ह्यूमर नहीं है और आप हर्ष बेनीवाल को देख के वो स्केच वीडियो बनाने लगे। हर तरीके, इवन ह्यूमर की भी कैटेगरी होती है, टेक की भी कैटेगरी होती है। तो पहले तो यही ढूंढना कि मैं सच में यूट्यूब के लिए बनाऊं कि नहीं बना। और दूसरी चीज, जब आप कर रहे हैं, अगर चलो कर भी रहे हैं, आप शौक के लिए कर रहे हैं, लाइक कोई कुछ लोग पैशन के लिए करते हैं, कुछ पैसे के लिए करते हैं, तो वैसे तो पैसे वाला फैक्टर वर्कआउट नहीं करता ना। जो पैसे के लिए सोच के आता है, हाँ, वो तो फेलियर है। बट इसमें कोई एक्सपेक्टर नहीं है यूट्यूब ग्रो होने का। मैं जैसे बताया कि मैं कंसिस्टेंट था, लक ने काम किया। लक भी तभी काम करेगा जब आप अपलोड कर रहे होंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका डेडिकेशन होना चाहिए, आपको उस काम में मजा आ रहा हो तभी आप कर पाओगे। अगर आप कुछ सोच के कर रहे हो तो अगर वो नहीं मिलेगा जल्दी से तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो ये तो एक पैशन से मजे के लिए कर सकता है इंसान। जो देखने वाले को जितना मजा आ रहा है, जब करने वाले को आएगा तो ही होता है। और सक्सेस भी तो उसी जगह मिलती है जहाँ पर हमें इंटरेस्ट जिसका, हाँ, अगर आपको मजा आ रहा है वो काम करने में तो सक्सेस। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जो पैसे के लिए या फेम के लिए करते हैं, अच्छी बात है, हर किसी को चाहिए, बट अगर आपका सोलो गोल ही वो है तो बहुत मुश्किल है कि फिर यूट्यूब वर्कआउट करेगा। तो अब बात करते हैं कि 2 मिलियन सब्सक्राइबर, तो पब्लिक जानते हैं कि आपके 2 मिलियन सब्सक्राइबर है। अब इसके पीछे का मेहनत के बारे में तो थोड़ा आप ये बताओ कि एक वीडियो बनाने में आपको कितना टाइम लगता है और क्या क्या उसके लिए रेडी करना पड़ता है। देखो, अगर एक वीडियो ऐसी है कि मैं बिल्कुल प्रॉपर टॉपिक, जैसे कि एक टॉपिक हो गया जोगिंदर, मेरे को पता है उसका कंटेंट अवेलेबल है और अब मेरे को रिसर्च करके बनानी है, तो मेरे को लगभग 1 से 2 दिन वीडियो लिखने में लगेंगे। शूट करने में लगता है 1-2 घंटा, जो मतलब मेरे को स्टूडियो में करना है, ठीक है। तो जितनी देर में हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे उतनी लगेगी। लेकिन जब स्केचेस होते हैं, बीच में जो स्किट्स होती है ना, छोटी मोटी हम जो करते हैं फनी, उनमें थोड़ा टाइम लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अगर रात को शूट कर रहे हैं मैं स्टूडियो वाला, तो अगले दिन फिर सुबह का भी पूरा दिन लगेगा वो स्क्रिप्ट शूट करने में। और अवेलेबिलिटी कि लोग अवेलेबल हो उस हिसाब से। अभी आप बहुत ज्यादा क्वालिटी पे भी मतलब इंप्रूव किए हो, लाइक थोड़ा बहुत आप अलग अलग जगह का भी फुटेज रहता है, थोड़ा कॉमेडी करने की ट्राई किया जाता है। थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि एक व्यूअर की साइकोलॉजी होती है कि वीडियो में जितनी चीजें चेंज होती रहेंगी ना, तो वो टिका रहेगा वीडियो पे, तो थोड़ा सा हम वो भी ट्राई करते हैं। मैं ज्यादा नहीं चाहता कि स्टूडियो के अंदर ही शूट करूं जी। तो लगभग, और जैसे आज हो गया, अभी लेटेस्ट जो हम वीडियो अपलोड कर रहे थे उसमें थोड़ा सा प्रीमियर प्रो जो ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसके भी ग्लिच हैं, कुछ बग्स हैं उसमें, और फिर अपलोड करते हुए भी 1-2 बग्स हैं, यूट्यूब इतना ज्यादा बार बार अपडेट दे रहा है। तो मैं 2 दिनों से गाइस इनके साथ हूँ अभी, तो मैंने भी देखा भाई मेहनत, एक एक वीडियो के पीछे इतना ज्यादा मेहनत है। मैं बता दूँ, एक वीडियो रेडी है जोगिंदर के ऊपर में जो कि 2 दिन पहले ही रेडी हो चुका है, लेकिन उसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं कि क्या बताएं। मैं खुद देख रहा हूँ, कभी प्रीमियर प्रो धोखा दे रहा है, कभी लैग कर रहा है, कभी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, कभी कॉपीराइट का सीन, मतलब वो सब तो आगे आप लोग पता चलेगा कॉपीराइट का सीन क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो अब बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की ओर कि जैसे आप लोग रोस्टिंग वीडियो बनाते हो तो आप लोगों को तो अदर कंटेंट को भी थोड़ा बहुत यूज करना पड़ता है, किसी का वीडियो फुटेज, लाइक अभी थाराभाई जोगिंदर का भी वीडियो आपको लगाना पड़ रहा है, तो उसमें कॉपीराइट का क्या सीन रहता है? देखो, गाने पे तो ज़्यादातर ऐसा रहता है कि बस हथियार गिराई देते हैं, मैंने कहा चलो आ गया तो आ गया, फिर उससे तो कोई इनकम नहीं है, क्योंकि गाने से तो आप नहीं बच सकते, वो 5 सेकंड का यूज़ हो गया तो आ जाएगा। बहुत से लोगों के अंदर ये भी मिलता है कि 5 सेकंड पे आता है, 6 पे आने को, 2 सेकंड पे भी आ जाता बस, है, इसका कोई टाइम नहीं है, मैंने पहले भी बोला है बहुत पेपर, और ना आने को। मैंने इतने बड़े बड़े कलमकार म्यूजिक के गाने यूज़ किए हैं, वो सबको देते हैं कॉपीराइट, लेकिन हमको नहीं दिया तो नहीं दिया, वो गुडविल है उनकी कि वो नहीं दे रहे हैं। तो और आपकी यूज करने के ऊपर भी थोड़ा मैटर करता है। अब अगर आप उस पर रिएक्शन या कमेंट्री कर रहे हो या उसको मजे के लिए यूज कर रहे हो एक वीडियो में थोड़ा किसी सीन के लिए, तो बच जाते हैं। लेकिन जो लोग रीअपलोड करते हैं या रीमेक करते हैं, उन पर तो आता ही आता है, क्योंकि आर्टिस्ट क्यों अपनी कमाई छोड़ेगा। तो आज जो वीडियो आने वाली है उसमें 2 बार कॉपीराइट आया था भाई, मैंने देखा, फिर वो पार्ट को ट्रिम कर करके थोड़ा थोड़ा काट काट के हटाना पड़ा, फिर से अपलोड करना पड़ा। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे आप लोग वीडियो बनाते हो उसमें थोड़ा एब्यूजिंग वर्ड तो यूज़ करना पड़ता है, लाइक उसमें फिर वो नहीं आएगा तो मसाला नहीं मिलता और मज़ा भी नहीं आएगा। तो इस चीज़ को लेकर के यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा जैसे लोग बोल रहे हैं, गाली गलौज करता है
इंडिया का जो यूथ है उसका भविष्य खराब हो रहा है, गलत मने इन्फ्लुएंस कर रहा है, गाली गलौज सिखा रहा था, इसमें आपका क्या कहना? यार मैंने ना तन्मय भट्ट की एक लाइव स्ट्रीम देखी थी, तो उसमें तन्मय भट्ट को किसी ने बोला था कि ये ऐसा कॉन्टेंट बनाता है जो AIB का फाउंडर है, ये मान लो यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट के जो फाउंडर है तन्मय भट्ट, अगर किसी को पता हो ना यूट्यूब कब इंडिया में शुरू हुआ था, वो तन्मय भट्ट और उसकी टीम ने शुरू किया था जी। तो उसको किसी ने ये बोला था, एक बहुत पुराने प्रख्यात कॉमेडियन है हमारे इंडिया के, कि तन्मय भट्ट का कंटेंट फैमिली एक साथ बैठ के नहीं देख सकती। तो मैं उसने भी यही बोला था, मैं भी यही बोल रहा हूँ कि कितने लोगों के कॉन्टेंट है जो विद फैमिली देख रहे हैं, लोग सब अकेले देखते हैं, मोबाइल की चीज है यूट्यूब, मुश्किल से कहीं किसी के यहाँ टीवी पे चलती है, सब अकेले अकेले देखते हैं। और गाली, मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा बंदा होगा इस हिंदुस्तान में जो गाली नहीं देता होगा, ठीक है। और एटलीस्ट मैं तो अपनी वीडियो के एंड में बोलता भी हूँ कि मेरी वजह से दूसरे को गाली गलौज मत करना, वो एक सोर्स। अब मान लो मूवी में अगर किसिंग सीन है, तो वो उस सीन को अच्छे से क्वालिटी वाइज अच्छे से दिखाने के लिए, कि जैसे होती है वो चीज़ें, वो दिखाने के लिए वो सीन डाला जाता है, ना कि ये बोलने के लिए कि जाओ किस करना शुरू कर दो सबको। अगर अपहरण का सीन है तो अपहरण ही दिखाएंगे यार उसमें मूवी में, तो उससे कोई ये थोड़ी कि उससे प्रेरणा लेके भैया लोगों के किडनैप करने शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। अगर गाली है तो वो एक मूवमेंट को थोड़ा हीट करने के लिए होती है। और इवन बहुत से ऐसे लोग हैं, मनोज को मैंने बताया कि बहुत से रोस्टिंग वाले हैं जिनसे कॉन्टैक्ट हो जाता है, बहुत से लोग दोस्त भी बन जाते हैं। तो जो चीज़ ऑनलाइन है वो ऑनलाइन है, रियल लाइफ पर्सनैलिटी उनकी भी बहुत अलग है, हमारी भी बहुत अलग है। इस पर मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, मैं ये बता देता हूँ, मैं 2 दिनों से गए अभी लक्ष्य भाई के साथ हूँ, तो आप लोग को जैसे लगता है इनका वीडियो आप देखोगे तो आपको लगेगा यार इसका कैरेक्टर बहुत खराब होगा, गाली गलौज करता होगा, मतलब एकदम सही नहीं है। बट मैंने अभी तक देखा इतना शरीफ इतना सीधा साधा, मतलब आप मुझे तो देखते ही हो उतने ही सिंपल लक्ष्य भाई भी है, मतलब आपको बिलीव ही नहीं होगा कि ये एक रोस्टर है। और सबसे बड़ी बात, आप लोग इनका इंस्टा स्टोरी जाकर के चेक कर सकते हैं, जब इनके साथ कोई सब्सक्राइबर कहीं मार्केट में कहीं मिल गए होंगे तो भाई को समझ ही नहीं आता कि बात भाई कैसे करे, कैसे रिएक्ट करे सब्सक्राइबर के साथ, है ना। बहुत इशू है, मतलब लोग समझते हैं कि जैसी पर्सनैलिटी है यूट्यूब पे दिख रही है कि वैसे ही एक्ट करें, बट वैसा नहीं है। मतलब बहुत लोग ऐसे हैं, मैंने खुद अपने करियर में देखे हैं बहुत से यूट्यूबर सब लोग, कि रियलिटी और जो ऑनलाइन जो रियल लाइफ और रियल लाइफ बहुत बहुत फर्क है। और जो लोग बहुत सीधे बनते हैं, बहुत से मैंने मनोज को बताया अभी, वो बहुत टेढ़ी खीर है रियल लाइफ में, उनके बड़े चर्चे हैं मार्केट में। तो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि इतने मेहनत करके जो आज इस मुकाम पे हैं, तो इसके बदले में आउटपुट में कुछ मिलता भी है, वो है पैसा, आप लोगों को पता होगा। तब आप ये बताओ लक्ष्य भाई कि आपका ऑनलाइन इनकम, आप तो ऑनलाइन ही कमा रहे हो, तो क्या क्या सोर्सेस है, आप कहाँ कहाँ से पैसे कमा रहे हो अभी फिलहाल? देखो एक तो एडिसेंस है, वो तो मैन हो गया, फिर स्पॉन्सर्स हो गए, स्पॉन्सर्स ठीक है, और मैं नहीं करता, बट और जो लोग हैं मेरे साथ के, मेरे जैसे जो कर सकते हैं, स्टैंड अप शो होते हैं उनके लिए बुलाया जाता है, फिर इवेंट होता है उनके लिए बुलाया जाता है, फिर आप अपनी मर्च निकाल सकते हो, आप कुछ भी अपने स्टार्टअप कर सकते हो अपने नाम से, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने नाम से बंदा कर सकता है, सुपर चैट होती है, मतलब काफ़ी कुछ है यूट्यूब से रिलेटेड भी और यूट्यूब के अलावा भी। और आप इवन दूसरे सोशल हैंडल पे आप प्रमोशन कर सकते हो, किसी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो, वो हम करते नहीं क्योंकि एक तो टाइम थोड़ा कम रहता है, और दूसरा मैं समझता हूँ कि यार मैं उन चीज़ों के लायक नहीं हूँ कि मैं स्टैंड अप जाके करूँ। ऑलरेडी बहुत लोग हैं जो उसी फील्ड में हैं कि वो स्टैंड अप कर सकते हैं, बट करके पैसा कमा सकते हो उनके लिए जी। गाइस आज की वीडियो पे बहुत सारे क्वेश्चन सवाल जवाब हो गया, आई होप आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला यूट्यूब से रिलेटेड, एंड रोस्टिंग चैनल जो लोग चलाते हो उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आया होगा कॉपीराइट का क्या सीन होता है क्या नहीं होता है। बाकी मेहनत आप लोगों ने सुन लिया, भाई का काफ़ी मेहनत किए हैं, जब ये मतलब कॉलेज में स्टडी करते तो उसी टाइम से यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, मतलब मेरे साथ ही शायद से चैनल ओपन किया हुआ था, सेम ही होगा 2017 में ही मैंने भी स्टार्ट किया हुआ था। तो काफ़ी मेहनत लगता है, ऐसा नहीं कि आप मतलब कि अपने आप हो जाता है जादू, ऐसा नहीं होता, आप वीडियो बनाओ रेगुलर एकदम कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, मेहनत करो, भाई के जैसे आप भी मुकाम हासिल कर सकते हो। एंड आई होप आप लोग को आज का ये इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, एंड भाई के चैनल को जाके चेकआउट कर सकते हो लक्ष्य चौधरी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड चलिए आज के इस वीडियो पे इतना ही ना भाई, मज़ा आ गया फुल। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।